हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर थ्री प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज 3.2 को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। स्टूडेंट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या वन होता है, यानी जिनमें डिवाइड या तो खुद की टेबल का जाएगा या वन का जाएगा, वो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें अपने अलावा किसी और नंबर का भी डिवाइड चला जाए, यानी उसका वो फैक्टर होता है, वो होता हमारा कंपोजिट नंबर। तो हमें ऐसे 7 कॉन्जिक्यूटिव बताने हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार होना, बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में बताया भी गया है। आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने हैं, कंपोजिट नंबर बताने हैं, जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि एनसीईआरटी बुक में एक टेबल भी बना के आपको दी हुई है, इस तरीके की टेबल बनी हुई है, ठीक है, जिस पे सर्कल लगे हुए हैं वो सारे कौन है, प्राइम नंबर है, यानी 17 है, किसी की टेबल में भी नहीं आता 17 में, तो 17 का ही डिवाइड जाएगा या वन का जाएगा। 37, 47, 43, 53, 71, यानी जिन जिन पे सर्कल लगे हुए सारे प्राइम नंबर हैं, जिन पे क्रॉस लगे हुए हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। बट ध्यान रहे, वन हमारा एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम में इंक्लूड होता है ना कंपोजिट में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब इस आपको क्या लेना है, 7 कंपोजिट नंबर लेने हैं, बट बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि 7 नंबर होने चाहिए लगातार। जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, देखो इस पे क्रॉस लगा, कंपोजिट है, कंपोजिट कंपोजिट कंपोजिट, कितने हुए, 1 2 3 4 5, पाँचवें मेरे को तो लगातार 7 नंबर चाहिए, ठीक है। तो कम से कम आपको 100 तक प्राइम नंबर याद होने चाहिए। अगर आपको प्राइम नंबर याद होते हैं तो कन्फर्म हो जाता है कि जो प्राइम नंबर है उनको छोड़कर बाकी जो नंबर बचते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया, देखो 61 एक, फिर नहीं यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा काउंट, क्योंकि 61 आ गया ना प्राइम, मैंने यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 नंबर आ रहे हैं, टोटल 7 होने चाहिए। तो ध्यान से देखो जरा, 90 में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ गए ना, फिर प्राइम नंबर शुरू हो गया। प्राइम नंबर के आगे से शुरुआत की मैंने 90 से, बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव, यानी बीच में कोई दूसरा प्राइम नंबर इनके नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 90 91 92 93 94 95 96। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर में, 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, 90 91 92 93 94 95 96, कितने नंबर काउंट कर लो, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर, यानी ये जो नंबर हमें दे रखे हैं हमें इनको सम करके लिखना है 3 नंबर में, लेकिन कंडीशन ये वो तीनों नंबर ऑड प्राइम होने चाहिए, मतलब प्राइम नंबर वो जिनका फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या वन होता है, और ऑड देने हैं तो वो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो हमें 2 को इंक्लूड ना करके बाकी इनमें से कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं, नंबर इन्हीं में से ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यही है, ऑड भी होगा प्राइम भी होगा, सारे ऑड नंबर है सारे प्राइम नंबर है, मतलब खुद की टेबल में खुद का ही डिवाइड जाएगा या वन का जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको कम से कम 1 से लेकर 100 के बीच में आने वाले सारे प्राइम नंबर याद होने चाहिए। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे फिलहाल तो नोट कर दिया है, बाकी आप लर्न कर लेना प्राइम नंबर अप टू 100 तक 1 से लेके। तो देखो जरा, हम मैंने 21 लिया, अब कौन से ऐसे 3 नंबर चूज़ करें ताकि जिनको जोड़ने पर 21 आ जाए। क्लियर? तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने होंगे, तभी पता लग पाएगा कि उनका सम 21 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 3 ले लिया, 3 + 5 कितना हुआ, 8, 8 और 13 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर मैंने सोचे हैं वही नंबर आपको सोचने हैं, बस आपको कंडीशन ही देखनी है कि नंबर इनके बीच में से ही आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे और भी इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे मैंने लिया 11 11 + 7 कितने हुआ, 18 18 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। आपको कोई भी 3 नंबर लेने इन्हीं में से ही, जोड़ने पर 21 आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक। जैसे हमने इसका ऑप्शन भी लिया,
यहाँ कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। 31 के लिए मैंने लिया 3 + 5 = 8, 8 और 23 कितना हो गया, 31 हो गया। और भी नंबर हो सकते हैं इसके, जैसे कि मैंने लिया 17 लेंगे, 17 + 11 दोनों को जोड़ा 28 आया। 28 में 3 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो मैं बार बार आपको एक ही बात कहूँगा, चूज़ आपको करने हैं, कोई से भी चूज़ करो, इन्हीं में से चूज़ करना है, 3 नंबर होने चाहिए ऐड करने पर 31 आ जाए। सी देखो क्या दे रखा हमें यहाँ पे, 53, इसको ऐड कर लेते चलो। तो इसके लिए मैंने लिया 3 + 7 कितना आया, 10 हो गया। 10 में ऐड कर दो आप 43 कितना हो जाएगा, 53। ये तो एक कॉम्बिनेशन हुआ, दूसरा कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेते हैं इनमें से। देखो जैसे कि मैंने लिया 19 + 29 दोनों को जोड़ा, 9 9 18 81 3 और 1 4 48 आ गया। 48 में अगर मैं 5 ऐड कर दूँ, 48 में अगर मैं 5 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा, 53। तो ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है, और भी ढूंढ सकते हो अगर बन रहे हो तो। आपके डी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या दे रखा है, 61। आपको 3 नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने पे 61 आ जाए। जैसे मैंने ले लिया एक 3 + 5, 3 और 5 कितने हुए, 8। 8 में 53 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 61। ये भी कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन हम ढूंढ लेते हैं इनमें से, जैसे कि 37 लिया मैंने प्लस में 13, ठीक, दोनों को प्लस किया कितना हो गया, 40 और ये 50 हो गए। 50 में 11 जोड़ देंगे, 11 भी इसी में से आ रहा है, 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो मैंने हर एक पार्ट के दो दो एग्जांपल करके दिखाए हैं आपको। आप इनके अलावा और कुछ भी बन रहा हो तो वो भी बना सकते हो, वो भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा वही लिखो आप, नंबर इसमें से ही चूज़ करने, बस कंडीशन ये है, क्लियर। इसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।